अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद जुबैर एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको ट्रोकट बायोसिन ड्रिल जो कि सेमी ऑटोमेटिक ट्रोकट बायोसिन ड्रिल है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मजीद और वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये हमारे पास ट्रोकट बायोसिन ड्रिल है, तो ये होती है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि इसको आधा इससे हम हेल्प लेंगे और आधे हम फिर खुद उसको ऑपरेट करेंगे। तो आधी हेल्प हमारी ये है कि हम इसको लोड करेंगे। तो ये हमने इसको इसको पीछे खींचा तो आधी हमारी हेल्प ये हो गई, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ इस पोजीशन में हमने लोड करके इस पोजीशन में हमने लोड करके इसको अब हमने इंटर होना है और उसके बाद हमने अब हमने खुद करना है सब कुछ। अभी सेमी ऑटोमेटिक ने लोड करके हमें दे दिया, ठीक है। अब हमने सब कुछ खुद करना है। तो सेमी ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि अब दूसरी दफ़ा में हम इसकी दो डायरेक्शन होते हैं। एक ये हो गया कि हमने उसकी टारगेट के पास जाके हमने इसको प्रेस किया इंटर इनर ट्रोकार को। तो इसकी मैं चीज़ें बता दूँ कि ये आउटर कैनोला इसका होता है और इसके नीचे जो ये हैंडल है ये इनर ट्रोकार का है। तो ये इनर ट्रोकार है, तो इसके अंदर जो सैंपल नॉट की ट्रे भी बनी होती है, इसमें इसी इनर ट्रोकार के अंदर ही सैंपल नॉट जिसको जहाँ पे सैंपल आता है उसकी ट्रे होती है, उसको कहते हैं सैंपल नॉट, ठीक है ना। तो अब ये है कि हम इस पोजीशन में गए, उसके बाद हमने टारगेट को होल्ड किया और हमने इसको अब अपने हाथ से जैसे मैनुअल में पिछली वीडियो में था कि मैनुअल में सब कुछ हमने किया था कि इसको हमने होल्ड करके फिर अपने हाथ से उसको आगे किया। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ये पीछे से प्रेस करना है। तो ये देखें बस, अब ये हमारे पास सैंपल आ गया। सैंपल चेक करने का तरीका ये देखें, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ समझ लें, मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो एक दफ़ा और समझ लें कि हमारे पास ये पोजीशन है। अब हम पेशेंट पे यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमने ये इनर ट्रोकार को पहले खींचा, दो दो हिस्सों में हम इसको ऑपरेट करते हैं। देखें ये, सॉरी ये फर्स्ट, ये हमने, और ये सेकेंड, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसको हमने अपने हाथ से प्रेस किया, ठीक है, और फिर दोबारा हमने इसको पुश किया। तो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा तो सही समझ में आएगा, तो आप देखें, चलते हैं आगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि बायोप्सी किस तरह से की जाती है। तो आए पहले इसकी हम सामान को देख लें कि हम क्या क्या इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सामान होना लाजमी है। अगर हम कुछ चीज़ें छोड़ देंगे और बीच प्रोसीजर में हम इधर उधर देख रहे होंगे सामान के, ढूंढ रहे होंगे, तो फिर वो तरीक़ेकार सही नहीं होता। तो हमें पहले सारा सामान एक साथ रख लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे यूज़ होगी, तो उस हिसाब से हम फिर ये कि हर चीज़ को अपने करीब ही पाएंगे और अच्छी तरह से हम प्रोसीजर कर सकेंगे। तो हमारे पास जो है सब में इम्पोर्टेंट जो होती है वो ट्रोकट बायोप्सी है, जिसके ज़रिए हम किसी भी कोई भी हम यानी के ट्यूमर हो या किसी भी चीज़ के बारे में, ब्रेस्ट एप्सिस हो या ब्रेस्ट का हो कोई गांठ बनी हो, उससे हम किस तरह बायोप्सी लेंगे, तो उसके लिए ट्रोकट बायोप्सी इम्पोर्टेंट है। इसी के ज़रिए हम बायोप्सी लेते हैं और इस बायोप्सी से पहले हम इंसिजन देंगे, तो इंसिजन के लिए हमारे पास 11 का ब्लेड है। और इसके अलावा ये हमने लोकल दे दिया है, 2-3 cc बहुत होता है। और बायोप्सी सैंपल जब इसमें रखेंगे तो हम ये हमारे पास बोतल होनी चाहिए, इसमें फॉर्मोलिन होती है और उसके साथ गोज, ठीक है। तो आए शुरू करते हैं, देखें किस तरह से हम बायोप्सी करते हैं। तो सबसे पहले हमने, ये तो एक डमी है तो मैं इसमें समझा रहा हूँ कि अच्छी तरह से पाइडिन से उस जगह को जहाँ पर हमने बायोप्सी करनी है उस जगह को अच्छी तरह से पाइडिन से साफ करना है और उसके बाद हमने लोकल देना है। तो लोकल देके मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से, ये हमने गोश एक हाथ में लिया और ये लोकल है, ठीक है। तो ये हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड के ज़रिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो वाजे नज़र आती हैं तो हम ब्लाइंड भी जा सकते हैं उसमें, कुछ चीज़ें अंदर की तरफ होती हैं तो हमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो डम्मी है तो मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही, मगर एक वाजे जो नज़र आने वाली चीज़ होती है उसको तो हम ब्लाइंड भी कर सकते हैं। अब कोई चीज़ ऐसी होती है जो अंदरूनी होती है, जो ऊपर वाजे नज़र नहीं आती, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड के ज़रिए ही करना बेहतर होगा।
तो अभी हम डमी पे आपको समझा रहे हैं कि ये हमने मिसाल के तौर पे टारगेट लिया, इस जगह से हमने बायोप्सी लेनी है, तो हमने यहाँ निशान लगा दिया, एक मार्क कर दिया, और मार्क की जगह से फिर हमने ये लोकल दिया, ठीक है। ये हमने पुश किया पीछे के ब्लेड के वेसल्स में तो नहीं है, तो ये हमने ये लोकल दे दिया, ठीक है। अच्छी तरह दो तीन जगह से लोकल दे के और घोस रख देते हैं ताकि ब्लेड ना आए। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि हम 11 का ब्लेड लेंगे और जिस जगह हमने लोकल दिया है उसी जगह पे, और जहाँ से बायोप्सी लेनी है उस जगह पे 11 के ब्लेड से, क्योंकि स्किन बहुत हार्ड होती है, तो कभी ऐसा होता है कि बायोप्सी नीडल को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, तो पेन होता है पेशेंट को लोकल देने के बावजूद भी, तो हम इंसीजन दे देते हैं ताकि स्किन जो हार्ड जो स्किन होती है वो कट जाएगी, तो हम सॉफ्ट अंदर से जो होती है टिश्यू होते हैं तो उसके ज़रिए हम आराम से जा सकते हैं नीडल के ज़रिए। तो हमने ये इंसीजन दे दिया, ठीक है, ये हमने इंसीजन दे, स्किन इनकी हमने काट दी, ठीक है थोड़ी सी। तो उसके बाद अब हम क्रोकट बायोप्सी, ये हमारे पास है सेमी ऑटोमेटिक बायोप्सी नीडल है ये, तो इसको ये हमने लोड किया। अब लोड करके हम जाएंगे, तो इसमें दो स्टेप होते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। ये अब लोड है, तो लोड होने के बाद देखें, ये इसकी टिप है बिल्कुल सेम एक्यूरेट, ठीक है ना। ये इसका आउटर कैनोला और इसके अंदर ये इनर ट्रोकार है, और इसके साथ है सैंपल नॉट, यानी कि बायोप्सी की जो जहाँ से बायोप्सी आती है इसके अंदर, बायोप्सी ट्रे भी कहते हैं इसको, वो सैंपल नॉट कहते हैं इसको। तो ये अब हम जिस जगह हमने इंसिजन दिया है उस जगह पर हम ये जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये अब हम गए, अब हमने टारगेट देखना है कि किस जगह पे हमने टारगेट है। हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड के जरिए देख रहे हैं मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये उभरा हुआ नहीं है, डमी है, तो मैं अंदाजे से आपको करके दिखा रहा हूँ, मगर अल्ट्रासाउंड गाइडेड के जरिए समझ लिया हम कर रहे हैं इसको। तो हमने वो टारगेट से थोड़ा सा पीछे रखना है, ये देखें, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि हम टारगेट पर पहुँच गए, तो अब ये देखें, अब ये अब हमने 2 स्टेप मैंने लोड किया था इसको, तो फर्स्ट स्टेप पर हमने जब ये हमने जो जहाँ से हमने सैंपल लेना था उस टारगेट से उसकी टिप जो है ना इनर, वो इनर ट्रोकार की टिप हमने उसमें फंसाई हुई है। अब हम उसको होल्ड करेंगे, जब हम ये इनर ट्रोकार जब हम पुश करेंगे तो इससे ये होल्ड हो जाएगा, वो ट्यूमर या जो भी कोई हम सैंपल ले रहे हैं जहाँ से, वो जगह होल्ड हो जाएगी। अब हम आसानी इसको सेकेंड स्टेप में हम क्लिक कर देंगे, ये अब हमारे पास ये समझ लें बायोप्सी आ गई है, ठीक है। आए देखते हैं हम, ये देखिएगा, ये बायोप्सी पीस आ गया हमारे पास, तो इसमें हैरानगी की बात नहीं है, ये डमी है, बस एक फन है, आपको बताएंगे बहुत जल्द कि किस तरह से ये डमी से भी बायोप्सी आ सकती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बायोप्सी, अब ये देखें, ठीक है ना, तो ये देखें इसके अंदर ये बायोप्सी हमने ली, तो ये आ गई, ठीक है। ये अब मैं आपको स्लाइड पर निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें वाजे नज़र नहीं आ रहा, तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने ये हमारे पास ये हमने निडल से इसको हमने सेकंड स्टेप में हमने इसको लोड किया, फर्स्ट और ये सेकंड दोनों हमने लोड किए, देखें एक स्टेप 2 स्टेप में लोड हो गया। ये होती है मैनुअल, मैनुअल का मतलब है कि हमने अपने हाथ से खुद देखें मैनुअल, ये एक स्टेप और ये 2 स्टेप। अब उसके बाद हमने इसको पुश करना है, इसमें कोई बटन नहीं है, आपको ऑटोमेटिक भी बताऊंगा मैं किस तरह करते हैं, तो ये अभी सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसमें कोई बटन नहीं है, हमने अपने हाथ से इसको वर्क करना, सिर्फ ये इसने लोड कर लिया है बस, ये इसका एक सेमी इसलिए कहते हैं ऑटोमेटिक, इसने एक लोड कर दिया, एक हमारी मेहनत को ख़त्म कर दिया। तो
इससे पहले मैंने जो आपको बताया था तो मैनुअल का, तो मैनुअल से ये बहुत चेंज है। तो मैनुअल में ये होता है कि हम सारे काम खुद करते हैं, तो इसमें सिर्फ लोड करके हमको सिर्फ पुश करना होता है ये। तो हमने देखें दो स्टेप में लोड किया इसको और हमने जहाँ इंसिजन दिया था वहाँ से हम इन हुए, ठीक है। अब हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड करी, वो जगह देखी जहाँ से हमने पीस लेना है, ठीक है। हम पहुँच गए टारगेट पर, ठीक है। अब हमने इसको उस जहाँ पर हमने टारगेट रखा हुआ है उस जगह पर हमने इसकी जो इनर ट्रोकार है उसको हमने होल्ड कर दिया, ये हमने ये होल्ड कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्लिक किया तो ये अब वो सैंपल समझ लो इसमें फंस गया, आ गया ये, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो ये इसकी सैंपल नोट में पीस आ गया है, तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये स्लाइड पर मैं रख के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल MZL टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मज़ीद मेरी वीडियो आपको मिल सके।